फरीदाबाद में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां वडोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में लगे हुए एक डंपर ने स्कूटी सवार बुजुर्ग को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये डंपर तिगांव पुल पर काफी तेजी से निकल रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहा एक स्कूटी सवार बुजुर्ग इस डंपर की चपेट में आ गया। इस दौरान स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस दौरान आरोपी डंपर चालक मौके से फरार होने की फिराक में था, लेकिन मौके पर खड़े हुए लोगों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। ये दोस्त के पापा थे। अच्छा, क्या हुआ था? और ये डंपर ने कुचल दिया। इन पे आधे पे कागज नहीं होते, आधे पे लाइसेंस नहीं होते, इन पे ड्राइवरों पे ये अनपढ़ होते हैं, किसी पे कोई लाइसेंस नहीं होता। इनका ठेकेदार कोई इंक्वायरी नहीं करता कि इसका लाइसेंस है या नहीं है, और अंधाधुंध तेज चलाते हैं स्पीड में। ये भी काफी तेज बताया जा रहा है, काफी तेज चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे सभी तेज चलाते ही। अच्छा, हाँ, तू सबसे कह लिया, समझा लिया, कोई समझ में नहीं आती किसी के में भी। अब ये हादसा हो गया बहुत बड़ा, तो चले गए, वो वापसी तो आएगा नहीं। ठीक बात है, है? बड़े दुख की बात है। नहीं कोई इन पे कोई पुलिस चेकिंग करती, लाइसेंस चेक करती है या डॉक्यूमेंट चेक करती है, कोई गाड़ी कोई चेकिंग करती पुलिस, पुलिस खाली बस मोटरसाइकिल चेक करती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर स्थानीय अस्पताल में भिजवा दिया है और परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये एक स्कूटी पे था और इधर से आ रहा था, पीछे से डंपर आया, ये डंपर की चपेट में आने से उस आदमी की मौत हो गई। तो कार्रवाई ये सर यही अपने पल्लवगढ़ का ही है। डंपर ये है सर, जो ये अपने रोड का नहीं है, जो सामान ले जाते हैं मिक्सर वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसी का है। गौरतलब हो कि लगातार इस तरीके के डंपर आपको फरीदाबाद की रोड पर गुजरते हुए दिखाई दे ही जाएंगे, जिनके पास ना तो कोई कागजात होता है और ना ही लाइसेंस और ना ही ट्रेंड ड्राइवर होते हैं, जिसके चलते आए दिन इस तरीके के हादसे पेश आ रहे हैं। लिहाजा पुलिस को इस तरीके के डंपर चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आए दिन होने वाले इन हादसों पर लगाम लगाई जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।